हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से। वैकेंसी आ रही है, असिस्टेंट क्लरिकल एग्ज़ाम की पोस्ट हो गई है और इसमें टोटल पोस्ट है 926 पोस्ट हैं, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखते हैं वैकेंसी के बारे में। टोटल वैकेंसी है 926 असिस्टेंट की है ये पोस्ट। RBI अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, www.rbi.organization.in पर जाके आप इसको इस एग्ज़ाम को चेक कर सकते हो, फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। वेबसाइट की बात करूँ, वेबसाइट लिंक ओपन होगा इनका 23/12/2019 से लेके 16/1/2020 तक, मतलब 23 दिसंबर से लेके 16 जनवरी तक इनका डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन होगा, जब आप फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो। पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेम है जब वेबसाइट लिंक ओपन होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब बात करते हैं, प्री एग्ज़ाम होगा 14-15 फरवरी को होगा, मतलब सैटरडे संडे है 14 फरवरी को तब ये एग्ज़ाम होगा, और मेन एग्ज़ाम मार्च में होगा, कभी भी हो सकता है, इसकी अभी कोई फुल नोटिफिकेशन नहीं, पर मार्च में ही होगा, कब होगा ये नहीं पता है। अब बात करते हैं कि टोटल पोस्ट देख लीजिए अपने अपने एरिया में। हमें जो हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने चंडीगढ़ से फिल करना है। टोटल पोस्ट SC की 6, OBC की 7, 19 जर्नल की टोटल वैकेंसी बोलो 35 है। बहुत अच्छी वैकेंसी है जो चंडीगढ़, पंजाब और चंडीगढ़, मतलब कि पंजाब चंडीगढ़ वाले और हरियाणा वाले इस फॉर्म को भरेंगे और हिमाचल वाले। टोटल पोस्ट की बात करूँ, 926 पोस्ट है इनकी, हर रिजर्वेशन भी मिलेगी इसमें, जैसे SC ST OBC एक्स सर्विसमैन को और EWS को भी, PWD को इसमें मिलेगी रिजर्वेशन। अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करें, देखते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की बात करूँ, आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की 18 से 20 साल के बीच में, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 33 ईयर तक, जब तक एज है 33 साल के बीच बीच में आप एज के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। OBC को 3 ईयर का मिलेगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी को 10 ईयर का, वैसे आप चेक कर सकते हैं। सर्विसमैन को 50 ईयर तक मैक्सिमम है, ठीक है। विंडो डिवोर्सी को 10 ईयर, वैसे जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग रखते हैं, 1 जनवरी 1980 to 31 दिसंबर 1989 के बीच में जो हुआ था उसमें, तो 5 ईयर का। कैंडिडेट हु वर्किंग एक्सपीरियंस इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन्हें 3 ईयर का बेनिफिट मिलेगा इसमें। आगे चलते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 50% पासिंग मार्क्स चाहिए आपके बैचलर डिग्री में, ठीक है। और जो SC ST PWD वाले हैं उन्हें सिर्फ पास होना चाहिए ग्रेजुएट में, कोई ग्रेजुएट चाहिए किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएट हो, इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। और नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग और PC, मतलब कि MS Office आपको चलाना ना चाहिए, कंप्यूटर में आपकी थोड़ी सी कमांड होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने पहले ये बताया ये इंपॉर्टेंट है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ, सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, प्री एग्ज़ाम होगा आपका। इंग्लिश की बात करूँ तो 30 मिनट, वैसे जो IBPS कंडक्ट कराता है अदर बैंकिंग के लिए सेम वैसा ही है, मेंस भी उसी तरह से होगा आपका। रीजनिंग का होगा 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे, 30 मिनट मिलेंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स का होगा, 135 मिनट मिलेंगे मेंस एग्ज़ाम में। उसके बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, मतलब कि आप जैसे हिमाचल के हो आपको हिंदी बोलनी आनी चाहिए, जैसे आप इसको आप गुजरात से फिल कर रहे हो, पंजाब से फिल कर रहे हो, तो आपको पंजाबी कंपलसरी होगी लैंguएज LPT टेस्ट में, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में, इसलिए भी बात ध्यान में रखना, उसी एरिया से भरना जहाँ पे हिंदी हो, जैसे हिमाचल के तो आप हिंदी भर सकते हैं, चंडीगढ़ हिंदी, दिल्ली से है हिंदी भर सकते हैं, बस ये था। अब बात करते हैं पे स्केल की, आपकी सैलरी जो मिनिमम आपको पर मंथ मिलेगी वो होगी आपकी सैलरी 36,390 रुपये आपको मिलेगा, मतलब 37,000, ठीक है, 36,100 रुपये आपको मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा इस एग्ज़ाम में। हाउस रेंट अलाउंस अलग मिलेगा, डिपेंड करता है आपकी किस जगह पर, ट्रांसफ़र हुई है कहाँ पे, किस जोन में आप वर्क कर रहे हो, उसी कारण जो नॉर्थ जोन की है उनके अंडर, जो नॉर्थ जोन में चंडीगढ़ आएगा, जयपुर, जम्मू, श्रीनगर, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, ये सभी नॉर्थ जोन में आते हैं।
एससी वालों के लिए ये है 50 रुपये का फॉर्म है, जनरल वालों के लिए कम से कम 550 का पड़ेगा। एससी वालों को 50 रुपये है विद जीएसटी वगैरह, पर जो जनरल वाले हैं और ओबीसी वाले हैं और ईडब्ल्यूएस वाले, उन्हें जीएसटी वगैरह एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप मान के चलिए ये आपको 550 तक फॉर्म पड़ेगा, इनका 50 का ही पड़ेगा, एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विस मैन का। ठीक है दोस्तों, ये था आपको बताने के लिए, और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा, मैंने आपको वेबसाइट बता दी है। 14 और 15 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय। अपने जोन से भरोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा।